कप्तान पर गिरफ्तारी की तलवार, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की जमानत खारिज कर दी। अदम पेशी पर अबूरी जमानत खारिज की गई। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस की समाअत, ATC ने इमरान खान को आज ही पेश होने का हुक्म दिया। 2:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम वो चीज सेट करेंगे जो हमेशा के लिए तय हो, जो रिलीफ मुख्तदर शख्सियत को देंगे वही आम शख्स को देंगे। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत का फैसला पेशी से मशरूत कर दिया। अदालत ने रात 8 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, हिफाजती जमानत चाहिए तो दरख्वास्त गुजार लेकर आए। अदालत, रात देर तक खोलने पर आप लोगों को एतराज़ होता है, आपका पाबंद नहीं हूँ जो रात 12 बजे तक इंतज़ार करूँ, हमने कानून के मुताबिक चलना है। इमरान खान को स्ट्रेचर या एम्बुलेंस में ले आए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या इमरान खान चल नहीं सकते? रोज़ TV पर देखता हूँ वो ठीक बैठे होते हैं। जब तक इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। समाअत सुबह तक मुलतवी कर दी गई। तलबी के बावजूद इमरान खान हाई कोर्ट में पेश ना हुए। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान की सेहत ठीक नहीं, वो अदालत में पेश नहीं होंगे। इमरान खान जख्मी है, चल फिर नहीं सकते। अदालत पेशी पर इमरान खान की लीगल टीम से मुशावरत, इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया हुआ है। गिरफ्तारी और नाअहली दोनों मामलों को देख लेंगे। मुमकिन गिरफ्तारी पर जमान पार्क के बाहर खवातीन जमा, हाथों में अलामती जंजीरें पहनेंगी, हाथों में झंडे उछाकर इमरान खान के दिफा का फैसला। सूबे भर से कारकुन जमान पार्क पहुंचना शुरू हो गए। नैब तरामीम ने जेर इल्तवा मुकदमात का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत खुद हुकूमत के अख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहती। नए नैब कानून में वापस होने वाले मुकदमात के मुस्तकबिल का कोई तरीक़ाकार दर्ज नहीं। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले सैकड़ों मुकदमात का कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। कदीम माशरे में जिंदा रहने का हक महज रोटी कपड़ा और मकान से पूरा होता है। आज के ज़माने में जिंदा रहने के लिए तालीम और सेहत समेत दीगर सहूलियात लाजिम हैं। करप्शन से जिंदा रहने का हक जख्मी हुआ है। वाज़े कह चुके हैं, अदलिया हुकूमत करना चाहती है ना ही करेगी। समाज से फिर होगी। मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नज़र नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं अदालतों को, खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। इससे जो है वो एक ये बात सामने आएगी कि अगर आप चढ़ के रहें तो फिर ठीक है, अगर आप चढ़ के नहीं रहते तो फिर अदारे जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये जो इम्प्रेशन है अदारों के ऊपर कि अगर आप प्रेशर बना के रखें फिर ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं बनाते तो फिर अदारे आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। इस हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन अवाम कराएगी। मरियम नवाज खुलेआम इदारों को धमकियाँ दे रही हैं। हैरान हूँ किसी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का सवाल, कहा हमारे खिलाफ छोटी सी बात पर एक्शन लिया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट और सियासी इदारों को तय करना होगा पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। गवर्नर कहते हैं कि वो तारीख देने के मजाज नहीं, तो क्या आप सदर पाकिस्तान की तरफ जाएं? अगर लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले पर अमल नहीं करा सकेगी तो अदालतें बेवकत हो जाएंगी। IMF ने पाकिस्तान से वक्त मांग लिया। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल पॉलिसी का जायजा लेने के लिए वक्त मांगा गया। विश्व मुजाकरात 1 दिन के लिए मुलतवी। IMF पेश की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने के बाद मुजाकरात शुरू करेगा। तवक्को है कि अगले हफ्ते IMF के साथ स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें। जो आज हमारे हालात हो गए हैं, हमारे हम तो किसी के सामने अब खड़े भी नहीं हो सकते। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये थोड़े से लोग इस मुल्क को अपने अपने मफादात के लिए तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो हल कोई नहीं है। इनका सोल्यूशन ये है कि इमरान खान के ऊपर 60 FIR काट दो, इस PTI के लोगों को जेलों में डालो, उनके ऊपर तशद्दुद करो, उनको खौफ फैलाओ, जब वो बिल्कुल पार्टी उनकी टूट जाए तो फिर इलेक्शन करवाओ। वो होने नहीं लगा।
पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, हम श्रीलंका वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं। सदर मुमलिकत फाइनेंस बिल में रुकावट नहीं बनेंगे। इमरान खान का फिर फौरी इलेक्शन कराने का मुतालिबा, कहा मुझे ख़त्म करने के लिए मुल्क को तबाह ना किया जाए। 10-11 माह में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया गया, कोई खुशफहमी में ना रहे कि IMF को मानने से बेहतरी आएगी। मुल्क तेज़ी से दलदल में धंसता जा रहा है, मिनी बजट महंगाई का तूफान लाएगा। इसहाक डार खुद को बड़ा तजुर्बाकार कहते थे, अब बताएं मुल्क के साथ क्या किया। ये कैंसर का इलाज जसप्रीत से कर रहे हैं, जब गिरफ्तारियां शुरू होंगी तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। चीफ जस्टिस पर जानबदारी का इल्जाम लगाने के बावजूद मरियम के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। बाजवा दौर में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई, जनरल बाजवा ने हल की खिलाफ वर्जी की। 100% सीखा, किसी आर्मी चीफ की मुलाजमत में तौसीन नहीं होनी चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख पर आला अदलिया से रजू करने का फैसला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, 2 घंटे से ज़ायद तक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का मौजूदा आइनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला, कमीशन की टीम ने गवर्नर से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। इलेक्शन तो होने, ये गवर्नर नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, तो ये सदर साहब ने तारीख दे देनी है, क्योंकि वो तो आईन की पामाली होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आखिरी वक्त फिर भी है कि आर्टिकल 6 यानी इलेक्शन से आईन से के इनहराफ के मुर्तकिब ना हो, आज भी वक्त है इलेक्शन कमीशन को, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद है कि अपने इजलास जो वो कर रहे हैं उस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आईन तोड़ने को तैयार हैं, अब ये अदलिया के खिलाफ मुनज़िम मुहिम चलाएंगे। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं हुक्मरान आवाम से भाग रहे हैं, ये तो अपने अरकान का सामना भी नहीं कर रहे हैं। मरियम इल्जाम लगाती हैं ये इमरान खान का मायदा है, तो ये 10 माह से क्या कर रहे हैं। फारूख हबीब बोले शिकस्त के खौफ से शहबाज जरदारी, फजलुर रहमान इंतखाबात से भाग गए, इलेक्शन कमीशन इनकी भरपूर मदद कर रहा है। पीपल्स पार्टी मुतहदा के तहफ़ुज़ात दूर करने को तैयार, हल्का बंदियों पर दोनों जमातों में बर्फ़ पिघलने लगी। सूबाई वज़ीर नासिर शाह की सरबराही में वफ़ बहादुराबाद गया, MKM के तहफ़ुज़ात सुने, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम हल्का बंदियों और यूसिस में इजाफे के लिए तैयार हैं, आइंदा आम इंतखाबात में यूसिस में इजाफा होगा। हल्का बंदियाँ करना इलेक्शन कमीशन का काम है, बल्दियाती इंतखाबात को कलदम करार देना कोई भी नहीं चाहता। MKM से मुशावरत जारी है, मामला जल्द हल कर लेंगे। मुस्तफा कमाल बोले MKM सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, धरने की कॉल अब भी अपनी जगह मौजूद है। नूर आलम खान का जिमनी फाइनेंस बिल के हक में वोट देने से इनकार, कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बरस पड़े, कहा टैक्सेस लेने हैं तो कारखानादारों से लें, अद्वियात महंगी कर दें, बिजली अफसरान को दे रहे हैं, बिल गरीब से लेते हैं, अफसरान 60-60 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, सैलाब के मुतासरीन के कर्जे तो माफ नहीं किए जा रहे, पाकिस्तान में सिर्फ टैक्सेस ही टैक्सेस हैं, टैक्स लेने वाले इदारे भी चोर हैं। वजीर खजाना बताएं किस कानून के तहत डॉलर माफिया से मुजाकरात किए। जमात इस्लामी के मौलाना अकबर चित्राली बोले बिल पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए लाया जा रहा है, मालियाती तौर पर हम अमरीका के गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक मरतबा फिर नैब में तलब, आज पेश होने का हुक्म, जायदाद की तफसीलात साथ लाने की हिदायत, नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में तलब किया। डॉलर मजीद कम, इंटरबैंक में अमरीकी करंसी 1.96 रुपए सस्ती 265.36 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी, 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट इजाफा। बारदाने की खरीदारी में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ, डिप्टी सेक्रेटरी खुराक अंजुम सरदार मुअत्तल, घपले साबित होने पर एक्शन लिया गया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब कहते हैं कि करप्ट अनासर के महकमे खुराक में कोई जगह नहीं। टू
ट्विटर के मामला अब कुत्ता देखेगा। एलोन मस्क ने कुत्ते को सीईओ बना दिया, सार्फिन हैरान परेशान। एलोन मस्क ने कुत्ते की पेंट कोट में तस्वीर शेयर कर दी, टी शर्ट पर सीईओ लिखा हुआ था। एलोन मस्क ने ट्वीट किया, ये वाला सीईओ दूसरे वाले से बेहतर है। और सजल अली का बरतानवी अदाकारा इमा थॉमसन के साथ भंगड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मद्दाहों की जानिब से खूब तारीफें।